अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। और आज काफ़ी दिनों के बाद एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। बहुत दिन हो गए थे कोई व्लॉग नहीं अपलोड किया था, तो सोचा कि चलें एक वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। मैं गई थी अंदलस मॉल। मैं वैसे तो गई थी ग्रॉसरी के लिए, लेकिन वहाँ देखा इतनी सारी ऑफ़र्स लगी हुई हैं आजकल, और तकरीबन हर शॉप पर ही ऑफ़र थी। और एक ये मैंने देखी थी, मैक्सीज़ पर लगी हुई थी ऑफ़र, इस तरह के कैजुअल मैक्सी और शर्ट्स वगैरह थी यहाँ पर, और इन पे काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। काफ़ी कम रेट्स थे और स्टाइल्स भी काफ़ी अच्छे थे, तो सोचा कि चलें ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ आप लोगों के लिए। इस वीडियो के साथ साथ आप जो है मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आजकल वाइट फ्राइडे की काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स चल रही हैं, और ऑनलाइन भी काफ़ी सारी हैं, और इसके अलावा इन स्टोर भी हैं। ये स्कर्ट्स भी थी यहाँ पर, और ये जस्ट 20 रियाल की थी। ये ड्रेसेस की एवोरा के नाम से शॉप थी, और इस पर 30-50% ऑफ था। इसके बाद मैं गई थी दी बॉडी शॉप, और यहाँ पर 20-70% ऑफ था सिलेक्टेड आइटम्स पर। और इसके अलावा पूरी शॉप में बाय टू गेट वन की ऑफ़र थी। फेस केयर प्रोडक्ट्स पर यहाँ पर कम डिस्काउंट था, लेकिन बाय टू गेट वन की ऑफ़र इनमें थी ज़्यादातर। और बाकी मेकअप पर भी काफ़ी ऑफ था, और बॉडी शॉप का मेकअप अच्छा होता है। इसके बेस वगैरह मैंने यूज़ की हुई है, लिपस्टिक्स इसकी अच्छी होती हैं, इसके अलावा लिप टिंट इसके अच्छे होते हैं, और वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में लगे हुए थे। फीफा वर्ल्ड कप के लिए अंदलस मॉल में भी स्क्रीनिंग की गई है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था। शायद कोई मैच चल रहा था, इस वजह से काफ़ी रश था यहाँ पर। इसके बाद मैं गई थी सफूरा पर। सफूरा पर 50-70% ऑफ लगा हुआ है, और जितने भी सफूरा में मेकअप ब्रांड है तकरीबन सब ने ही ऑफ लगाया हुआ था, लेकिन सिलेक्टेड आइटम्स पर लगा हुआ था। इसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि क्या वजह थी। जिन चीज़ों पर इन्होंने ऑफ़ लगाया हुआ था, वो हुदा की कुछ प्रोडक्ट्स थी जिन पर ऑफ था। बाकी सफूरा की जो कलेक्शन है उसमें कुछ चीज़ें थी जिन पर ऑफ था। स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर काफ़ी चीज़ों पर ऑफ था, लेकिन जो ये इस तरह की किट्स होती हैं इनमें ज़्यादातर ऑफ था। और बस लिमिटेड चीज़ों पर ही इन्होंने ऑफ रखा हुआ था। और जैसे पहले होता था कि तकरीबन सारी ही प्रोडक्ट्स पर ये ऑफ़ लगाते थे, वैसा नहीं था, लिमिटेड चीज़ों पर था। तो मुझे देखनी थी, क्योंकि हुदा की कुछ प्रोडक्ट्स देखनी थी, तो वो उन पर लेकिन ऑफ नहीं था। तो बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी मैंने उनकी वीडियो बनाई। अच्छा, सफूरा में जब मैं वीडियो बना रही थी, तो वहाँ पर एक सेल्स गर्ल ने आकर मना कर दिया कि आप जो है ना वीडियो नहीं बना सकते। वैसे यहाँ इतने इवेंट्स हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, और लोग वीडियो बनाते हैं अपलोड करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आपने सिर्फ एक शॉप को रिस्ट्रिक्ट करना है कि यहाँ पर आकर आप वीडियो नहीं बना सकते, तो ये बड़ी अजीब सी लॉजिक लगी मुझे उसकी। और रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप किसी की मर्ज़ी के बग़ैर उसकी वीडियो नहीं बना सकते, और या फिर किसी लेडी की वीडियो नहीं बना सकते। उसके अलावा आप प्रोडक्ट्स की वीडियो बना सकते हैं, किसी भी शॉप में आप गए हैं तो आप वीडियो बना सकते हैं।
खैर वहाँ से निकल के फिर मैं अपने मेन काम की तरफ आ गई थी, जो कि मैं ग्रॉसरी करने के लिए आई थी। तो उसके लिए मैं हाइपर पांडा आ गई थी, और यहाँ पर भी मैंने आके देखा कि बहुत सारी ऑफर्स थी, बहुत सारी चीज़ों पे ऑफ़र लगी हुई थी। ये कुछ शैम्पू ऑफ़र में लगे हुए थे, इनकी ओरिजिनल प्राइस तो 30 या 40 रियाल थी, लेकिन ऑफ़र में ये तकरीबन 9 और 6 रियाल के लगे हुए थे। और ब्रांड का मुझे पता नहीं था, लेकिन ये शायद ऑर्गेनिक शैम्पू थे, तो इसलिए मुझे अच्छे लग रहे थे ये। लेकिन इसमें से ये मैंने नहीं लिया, मुझे ये वाला शैम्पू जो है ना इसका पता था, तो इसलिए मुझे ये ऑफ़र अच्छी लगी। ये भी 9 रियाल में थे। इसके अलावा स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र लगी हुई है पांडा में। किसी ने भी परचेज़ करने हो तो इस वक्त पांडा बेस्ट है स्किन केयर प्रोडक्ट्स और शैम्पू, इन पर बहुत अच्छी ऑफ़र है। बाकी भी चीज़ों पर काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई हैं, लेकिन इन पर सबसे ज़्यादा है। चलिए जी, ग्रॉसरी हो गई है हमारी, और ये सबसे मुश्किल टाइम आ जाता है जब कैशियर जो है ना आपको 300-400 रियाल का बिल बना के पकड़ा देता है। लिए आपने 10-10 रियाल की चीज़ें होती हैं और बिल जो है वो इतना ज़्यादा बन जाते हैं, फिर इंसान काफ़ी देर तक जो है ना शौक में रहता है कि पता नहीं क्या इतनी महंगी चीज़ें ले ली थी। 10-10 रियाल करते करते जो है ना वो बस बन जाते हैं अच्छे खासे पैसे। वैसे भी सऊदी अरब में काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, और किसी दिन आपके साथ डिटेल जो है ना ग्रॉसरी व्लॉग भी शेयर करूँगी, रेट्स आपको दिखाऊँगी चीज़ों के और बताऊँगी कि लास्ट ईयर तक इनके रेट्स क्या थे। सो इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।